वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। अरबल जियो का ड्रामा सर मेहरूम बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि नसरीन बेगम एक बार फिर उमेर को कहती है, जिसे तुम अपना बाप समझ रहे हो वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान है। वो दौलत की खातिर अपने रिश्तों को कुर्बान कर सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ उसने हासिल किया धोखे से हासिल किया। जिस पर बड़े ही गुस्से से उमेर कहता है कि आप मेरी माँ कभी हो ही नहीं सकती। बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं कि औरत ज़ात पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। आप यहाँ से चली जाएँ, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे किसी किस्म की बदतमीज़ी करूँ। नसरीन बेगम कहती है कि बेटा, अपनी ही माँ से नफरत करना अच्छी बात नहीं। जिस दिन तुम्हें असल हकीकत का पता चलेगा तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें लगता है कि जैद तुम्हारा असल बाप है, तो ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारा असल बाप नहीं है। यह बात सुनकर उमेर कहता है कि ये आपकी कोई नई चाल होगी। मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ भी अब हो रहा है, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। पहले ज़ारा ने मेरे साथ धोखा किया, आप भी ये सब कुछ झूठ बोल रही हैं क्योंकि आप बाबा के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन आपको बता दूं कि मैं आपके इस खेल में नहीं आऊँगा और ना ही आपकी कोई बात सुनूंगा। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि ज़ारा को साथ कहता है कि तुम्हें उमेर के पास नहीं जाना चाहिए था। उमेर बहुत ही घटिया इंसान है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उमेर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेगा। अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब तुम्हें उस इंसान से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहिए। यह बात सुनकर एक बार फिर ज़ारा कहती है कि साथ ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने तो उमेर से मोहब्बत की थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह मुझे बीच रास्ते में छोड़ देगा। जो कुछ होना था ज़ारा हो गया। अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो कुछ होना था हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस टॉपिक पर ऐसी वैसी कोई भी बात ना ही हो तो वही बेहतर है। मैं तो खुद नहीं चाहता कि उमेर के बारे में तुम सोचो। उमेर की वजह से तुम्हें ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। मुझे तो लगता था कि उमेर तुम्हारा ख्याल रखेगा, वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो तो धोखेबाज इंसान निकला। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।